हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम इनिवांशी। तो आज का वीडियो बहुत फन होने वाला है, जो मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड है। तो मेरे दो किड्स हैं, एक मेरा 10 इयर्स का बेटा है और अभी जस्ट मेरी एक 8 मंथ की बेटी हुई है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये पूरा वीडियो फन होने वाला है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऐसा हुआ तो फिर ऐसा था, या कुछ मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी होगा। सबकी बॉडी अलग, सबका सबकी पर्सनैलिटी के सब हार्मोनल चेंजेस सबके अलग अलग है, पर जो मेरी प्रेगनेंसी के साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि मेरे बेटे के समय मेरी क्या सिम्टम थे और मेरे बेटी के समय मुझे क्या क्या सिम्टम थे। तो मैं ये वीडियो शुरू करने के पहले गाइस रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जिसने भी जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज गाइस जाके पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे ही आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँ। तो हम आगे वीडियो में करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन। तो ये सिर्फ एक फन की वीडियो है और अलग अलग सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। और मेरी नजरों में और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, घर में नई खुशी आना ही बहुत बड़ी बात होती है। और वो छोटे छोटे कदमों से नए घर में आते हैं, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, क्योंकि दोनों ही में उतनी काबिलियत होती है कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों ही मुझे लगता है कि माँ बनना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत खास एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए चाहे बॉय है चाहे गर्ल आए, तो पर मैं वो दोनों ही उतने ही। ये तो सिर्फ एक फन के लिए है कि ऐसा है तो फिर बॉय होगा या ऐसा है तो गर्ल होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, सबके हार्मोनल पे डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों प्रेगनेंसी में सेम सिम्टम होते हैं, फिर भी अलग अलग बेबी होता है, कभी बॉय हो जाता कभी गर्ल हो जाती, कभी कभी अलग अलग सिम्टम रहने के बाद भी सेम होता है, गर्ल गर्ल हो जाती है या बॉय बॉय तो हो मैं जाता मेरा है। एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे बड़े बेटे के समय मुझे कैसा क्या सिम्टम रहे, मेरी बेटी के समय मुझे क्या सिम्टम रहे। और ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो सिम्टम है वो किसी और को सिम्टम होगा तो उसे बेबी गर्ल ही होगी, या मुझे जो सिम्टम बेबी बॉय के समय हुआ था तो वो किसी और को भी हो तो बेबी बॉय। तो सच में गाइस मैं बताऊंगी कि मैंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं सोचा था। और उसमें मुझे सिर्फ मेरे आजू बाजू के लोग जो भी मुझे देखते थे वो सिर्फ कहते थे कि नहीं तुम्हें ये होगा तुम्हें वो होगा। तो मैं उतना नहीं सोचती थी कि कुछ मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा लगता था कि हो जाए फाइनली अच्छा से हो जाए बेबी, बस यही लगता था। पर सच में गाइस अगर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के समय मैंने बहुत मतलब आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा था कि क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। तो मैंने बहुत से सर्च किया था, बहुत देखा था कि ये सिम्टम है तो ये होगा या वो सिम्टम है तो वो होगा। तो मैं अपना अपने बारे में बताती हूँ गाइस कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे सिम्टम कैसे कैसे रहे, क्या क्या हुआ था मेरा। तो मैं बताऊंगी मेरे बेटे के समय में मेरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा बहुत दुबली हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। पर मेरी बेटी के समय मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और बहुत अच्छी खासी मतलब मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। मैंने हार्डली 18 से 19 kg वेट मैंने मेरी बेटी के समय गेन किया था और मेरे बेटे के समय मैं काफ़ी दुबली हो गई थी। सेकेंड सिम्टम था कि मैं मेरे बेटे के समय बहुत ऐसी सांवली सी हो गई थी, जो मुझे सब लोग कहते थे कि तुम बहुत सांवली हो गई थी तुम्हें बेटा होगा। और मेरी बेटी के समय उल्टा हुआ था, मेरे बेटी के समय तो मैं मतलब 6 7 मंथ तक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत टायर्ड रहती थी मैं, काफ़ी थकी हुई रहती थी। और दोनों ही प्रेगनेंसी में पर मुझे वॉमिट का दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे बेटे के समय भी मैंने 3 मंथ तक के बहुत मुझे वॉमिट हुआ, मॉर्निंग सिकनेस होता था, मॉर्निंग में मुझे काफ़ी वॉमिट होती थी और सब मतलब कुछ भी खाने वगैरह की काफ़ी स्मेल्स आती थी, अनियन की और ये गार्लिक वगैरह की मुझे काफ़ी स्मेल्स आती थी, जैसे मुझे बहुत वॉमिट होती थी, मुझे कुछ में भी भी नहीं सेम जाता था। प्रॉब्लम मेरे होता था, उसमें भी मुझे खाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे कंटिन्यू वॉमिट होती थी, मुझे कुछ भी नहीं मतलब खाने का मन करता था, ऐसा लगता था सिर्फ सो के रहो सो के रहो सो के रहो। तो मैंने 3 महीने तो 3 मंथ तो मेरा बहुत मुश्किल से निकाला मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी और वॉमिट का तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरी दोनों ये तो सिम्टम मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम है, वॉमिट का। सुबेरे मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी, उसके बाद से ही मुझे अगर मैंने पानी भी पी लिया 1 गिलास तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो इसलिए मैं ये तो कहूंगी कि मेरे ये दोनों सिम्टम तो सेम ही रहे मेरी दोनों प्रेगनेंसी में।
सेकेंड सिम्टम की बात करूंगी कि मुझे मेरी मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी के समय मुझे अक्सर इवान से लेफ्ट साइड में रखती थी, जो मुझे फिफ्थ मंथ से लेके नाइन्थ मंथ तक के वो मुझे लेफ्ट साइड में ही ऐसा लगता था कि वो लेफ्ट साइड में ही है, तो मुझे अधिकतर लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा लगती थी। और मुझे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा एडमिट हुई थी, मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी सेकंड प्रेगनेंसी में, जैसे मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम और पैरों में इतना ज़्यादा पेन होता था, और अर्ली मॉर्निंग में पैरों में इतना पेन रहता था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी और चल नहीं पाती थी, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। पर मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरे बेटे के समय मैंने वॉमिट मेरी होता होती है। थी, पर मैं सब काम कर लेती थी, घर के सारे काम करती थी, घूमती फिरती थी, सब चीज़ करती थी, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा ऐसा नहीं था। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब लगती थी मुझे, और अक्सर वो मुझे लेफ्ट साइड में लगती थी, और मेरा लेफ्ट का ही पैर बहुत ज़्यादा पेन रहता था, वो मुझे नाइन्थ मंथ तक के मुझे वो पेन रहा है। थर्ड है कि मैंने मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, बहुत ज़्यादा, मुझे इतना मीठा खाने की क्यूरियसिटी होती थी, इतना ज़्यादा मतलब खाने का मन करता था कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। और मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बिल्कुल मीठा खाने का मन नहीं करता था, मुझे तीखा खाने का मन करता था, चटपटा सा खाने का मन करता था, पर मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, जिसकी वजह से मुझे नाइन्थ मंथ में शुगर भी निकल गया था, पर आफ्टर डिलीवरी के बाद में वो शुगर मेरा बिल्कुल कम हो गया है, वो मुझे अभी फिलहाल नहीं है, पर वो डिलीवरी के समय मुझे मैं बिल्कुल टोटल शुगर खाना बंद कर दिया था, तो शुगर खाने के लिए बिल्कुल मना करा था मेरी मैम ने, तो वो मेरा एक रहेगा कि थर्ड में मुझे कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया है। फोर्थ प्रेगनेंसी में मेरे बेटे की हार्ट बीट हमेशा ही, जब भी मैं सोनोग्राफी के लिए जाती थी या जब भी मैं हार्ट बीट चेक करती थी, तो 140 के नीचे आती थी, और मेरी बेटी के समय मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने जितने बार भी हार्ट बीट चेक करी है, तो ऑलमोस्ट मतलब मेरी डिलीवरी होते तक भी उसकी हार्ट बीट 140 के ऊपर ही रही है, कभी 150, कभी 145, ऑलमोस्ट मतलब मैं डिलीवरी के लिए जाते तक भी उसकी हार्ट बीट 140 के ऊपर रही है, तो ये भी सोच सकते हैं कि 140 के ऊपर गया तो क्या गर्ल होती है, या 140 के नीचे बॉय होता है, तो ये मेरे लिए अलग अलग था, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था मुझे कि ऐसा ऐसा भी है भी है, तो मैं जस्ट फन के लिए ये अपने मन डाइवर्ट करने के लिए देख लेती थी कि क्या है और क्या होने वाला है या क्या होगा मुझे। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय मैं काफ़ी मतलब काफ़ी एक्टिव रहती थी, बहुत ज़्यादा मैंने नाइन्थ मंथ तक के ही काम किया है, और घूमती फिरती थी, सारे काम करती थी मैं घर के, मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, काफ़ी एनर्जीजनक लगता था मुझे, काफ़ी एनर्जी रहती थी, उतनी थकावट नहीं होती थी, पर मुझे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा थकावट सी फील होती थी, मैं काफ़ी टायर्ड रहती थी, और मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में चक्कर भी आते थे, मुझे चक्कर आने लगे थे, पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं कंटिन्यू घूमती थी, सब इधर उधर मतलब घूमती थी, काम भी करती थी, पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मुझे चक्कर भी आते थे, और बहुत थकावट सी लगती थी, ऐसा लगता था कि सो जाऊं, कंटिन्यू सो के रहूं, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के समय तो कोरोना भी था, तो मुझे उसका भी काफ़ी मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ा मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में, तो मुझे अक्सर मैं सेकंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा मुझे थकावट होती थी, पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं काफ़ी एक्टिव रही, काफ़ी घूमते फिरते रही और काफ़ी काम भी करते रही। मेरी फर्स्ट और प्रेगनेंसी से मुझे मेरा फर्स्ट इसमें मुझे बेटा हो गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बेटी हो जाए, मेरे मन में काफ़ी रहता था कि मुझे बेटा है तो मुझे बेटी हो जाए, पर ये तो सब भगवान के हाथ में है, बेटा होना बेटी होना और ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी होना है बहुत अच्छे से हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये मायने रखता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा फर्स्ट बेटा है और मुझे सेकंड मेरी बेटी हुई है जो 8 मंथ की है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ये भी पढ़ा था कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपके आपका वेट गेन हो रहा है तो साथ में आपके भी साथ में वेट गेन होता है, तो बेबी गर्ल होती है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड का वेट जितना था उतना ही था, तो ये सब तो मुझे, राइट साइड में सोते हो तो बेबी गर्ल होगी, आप लेफ्ट साइड में सोते हो तो बेबी बॉय होगा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऑलमोस्ट लेफ्ट में भी सोई हूँ और राइट में भी सोई हूँ, तो मुझे इससे तो कुछ समझ में नहीं आया था कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो ये मेरे कुछ कुछ सिम्टम थे। और हाँ, और मुझे मतलब
एक बताऊंगी खास कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे स्वेलिंग नहीं थी, बिल्कुल स्वेलिंग नहीं थी। मुझे काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी जैसी थी वैसी थी और काफ़ी दुबली हो गई थी। पर मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मुझे स्लीपर नहीं जाते थे मेरे पैरों में, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आया था। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, मुझे कोई ही मतलब स्वेलिंग वगैरह का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पर मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे सेम स्वेलिंग का बहुत प्रॉब्लम आया था। वाली है तो गाइस, तो मेरी। इसके लिए मैं बहुत से सर्च करती थी, बहुत कुछ देखती थी, और ये सिर्फ मैं अपने मन को बहलाने के लिए करती थी कि नहीं नहीं ये सिम्टम है, मतलब मुझे बेटा ही होगा, पर ये है तो मुझे बेटी होगी। और मुझे बहुत से लोग देते थे, पर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत से लोग ने मुझे कहा था कि तुम्हें बेटा ही होगा, तुम्हें बेटा ही होगा। तो ये सब होने, तो मैं कहती थी कि चलो ठीक है, मुझे बेटा ही होगा। तो मुझे बेटा से जो है, मतलब जो होने वाला है, जो है बस वो अच्छा हो, बस ये चाहे बेटा हो चाहे मैं बेटी ये हो। वीडियो में बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है कि ये होगा तो वो होगा, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो जस्ट फन के लिए है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, मैं मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे साथ है, जो मेरे सिम्टम है, वो उसी के हिसाब से आपकी भी प्रेगनेंसी वैसी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो होना है, जो होगा, वो सिर्फ भगवान की कृपा से होगा। तो इसीलिए जो आने वाला है, बस उसका हैप्पी से, बहुत खुशी पूर्वक से उसका वेलकम करिए और खुश रहिए और अपनी फैमिली कंप्लीट करिए। मैं तो यही दुआ करूंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ ओनली फन के लिए है और मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा। तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या हुआ था। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि श्योरली कि ये हुआ था मेरे साथ तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, या मुझे ऐसा खाने का मन हुआ था तो अगर मुझे बेबी गर्ल हुई तो आपको बेबी गर्ल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ वीडियो फन के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ मतलब एक छोटी सी खुशी दे देता है कि चलो ऐसे से ऐसा, वैसे से वैसा। और तब हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें चलते रहती है, प्रेगनेंसी के समय हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें चलते रहती है। तो इसकी वजह से हमारा टाइम भी निकल जाता है, थोड़ा सा फन हो जाता है। पर जो होना है और जो आने वाला है, वो सिर्फ ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, भगवान पे डिपेंड करता है। इसलिए खुश रहिए और जो आने वाला है उसका बहुत हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक वेलकम करिए। तो मैं वीडियो को यहाँ स्टॉप करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बाय बाय।